नमस्कार जी, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? हमारी बूटूल अभी देखिए सुबह सुबह बाइल के लिए, मोबाइल को बाइल बोलती है, मोबाइल के लिए परेशान कर रही है। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और हम लोगों का ब्लॉग दो तीन दिन नहीं आ पाया, उसके लिए आप लोग हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन मिल नहीं रहा था दोस्तों। दो तीन दिन से वाईफाई बंद था, तो अभी अपना दुकान चालू किए हैं और उससे कुछ पैसा आया तो जाके अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिए। और आज से आप लोगों को हम डेली ब्लॉग दे पाएंगे, और पीछे दो तीन दिन नहीं दे पाया उसके लिए फिर से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और दोस्तों, हम लोग करवा चौथ का ब्लॉग भी नहीं डाल पाए, हालांकि है हमारे मोबाइल में। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस ब्लॉग को डालेंगे। अभी ज्योति बोल रही है कि लेट हो गया, इसीलिए नहीं डाल रहे हैं लोग। और मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब हो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, अभी अब जा रहे हैं लोग, हम लोग अपने अपने काम पे। ज्योति घर का काम करेगी और बुटुल तो काम कर ही रही है। देखिए सुबह सुबह उठते उठते अपना पर्स उठा लिए। बुटुल क्या क्या है इस पर्स में? अभी सुबह सुबह उठ के बोल रही थी पापा घांगरा चाहिए, इसको अभी घांगरा बोल रही है, घांगरा चाहिए और फ्रॉक चाहिए। तो देखिए दीपावली में इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अभी दुकान शुरू किया है। अच्छा, फ्रॉक चाहिए, अभी दुकान चलने लगेगा तो इसके लिए दिलाएंगे दीपावली में। और कोशिश करेंगे कि ज्योति को भी दिला दें, क्योंकि करवा चौथ तो कुछ भी नहीं दिलाए। हाँ ठीक है बेटा। और देखिए अभी सुबह सुबह बुटुल रानी के यहाँ पे मेकअप शुरू हो गया है। ऐ और पीछे लगाए हो? अच्छा, हाँ हम लोग भी छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका दूसरा कोई बच्चा तो है नहीं यहाँ पे जिसके साथ खेले, तो थोड़ा सा इसमें अपना मन बहला लेती है। अभी सुबह सुबह ज्योति का मेकअप बॉक्स लेके और मेकअप कर रही है, बड़ा मन लगता है इसका मेकअप करने में। भाई दोस्तों, ज्योति यहाँ पे अभी पूरा सामान निकाल रही है। जो व्रत की चिन्ह जो किया जाता है सामान, उसको पंडित जी को दान में दिया जाता है, वो सारा सामान इकट्ठा कर रही है, ले जाएंगे पंडित जी को देने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ है विसर्जन के लिए। और अभी हमारे रूम के बगल में नदी है, वहाँ पर ले जाएंगे विसर्जन। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नदी है, तो इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे भी, जब विसर्जन करने ले जाएंगे ना तो दिखाएंगे आप लोगों से। दोस्तों देखिए, होता है साथ साथ हमको भी लिपस्टिक लगा दी, बिल्कुल नहीं लगा रहे थे, जबरदस्ती लगा दी। बड़ी देखो मुँह बना रहे, मुँह तोड़ देंगे, मैं ना लगाए, देखिए गिरा रही लगाएंगे। चलो तो दोस्तों, ज्योति अभी जा रही है चावल बनाने, यहाँ पे चावल अभी देख रही है, बीन रही है चावल, और यहाँ पे चावल अभी धो रही है, धो के चावल रख देगी यहाँ चूल्हे पे बनने के लिए, तब तक दूसरा काम होगा। हाँ क्या हुआ? नहीं गोदी नहीं आना है, नहीं मैं भाग रहा हूँ, मैं भागे। तो दोस्तों अभी ज्योति खिला रही है बाबू को दूध और रोटी, देखिए अभी दूध और रोटी मिक्स करके ले आए, खिला रही है बाबू को। क्या कर रहे बेटा? सेव खा रहे हो? अभी भी इसको जब भी बोलते हैं लोग, बेटा किस गांव जाओगे घूम सकते, बोलती है उचका गांव। मिथुन भैया घर गए थे लोग ना, तो अभी भी इसको याद है उचका गांव। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं, वो जो पूजा का जो सामान था ना, जो फूल और प्रसाद, खाली फूल है ना ज्योति इसमें का ज्योति, और पंडित जी को दान भी करना है, जो सामान छोड़ी थी श्रृंगार का सामान जो था ना, वो पंडित जी को दान करना है, तो सब ले लिए हैं इस फूले में। देखिए ज्योति महारानी अभी यहाँ पे खड़ा होकर सोच रही है क्या करे क्या ना करे, जाओ काम धंधा करो अपना, बहुत सारा काम है दोस्तों। इसका तबीयत खराब हो गया था ना, तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना कपड़ा भी रखा है, यहाँ कपड़ा रखी है, इधर कपड़ा रखी है, सब सब धोएगी। हम एक दिन बिना नहाया बिना कपड़ा धोए नहीं रहते, खराब हो जाए, जिससे हम पूरा काम कर दिया।
अभी जा रहे हैं इसमें धूप हो नहीं करना लगता है कोई काम है नहीं और पूरा इसमें हवन वन के सामान है जा रहे हैं नदी में विसर्जित करेंगे और पंडित जी को दान में दे देंगे सामान और आइए चलते हैं आप लोगों से नदी भी दिखाएंगे आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग में क्या जो भी देखिए ले जाए घुमाए इसको भी नदी पहुंच गए हैं यहाँ नदी के किनारे और पीछे जो दिख रहा है वो मंदिर है और यहाँ पे अष्टजाम हो रहा है इसीलिए बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा होगा और ये हमारे पीछे जो देखिए नदी है आपको बैक कैमरे दिखाते हैं हम अभी ये देखिए दोस्तों यही नदी है और ये देखिए वहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे मछली मार रहे हैं सब और ये देखिए कितनी सारी मछलियां इसमें चल रही हैं आपको मछलियां दिख रही है देखिए मछलियां देखिए नजदीक से ये देखिए कितनी सारी मछलियां हैं यहाँ पे तो फाइनली अभी पहुंच गया हूँ अपने रूम पे देखिए मेरे घर लल्ला हुआ है अभी रो अभी शर्मा गए रो के दिखाओ मैं वीडियो बना देखिए एकदम बच्चे जैसे रो रहे ये आपको ये आप अपने आप को समझती है अभी जी एकदम बच्ची है तो दोस्तों आप लोगों से नदी दिखाए और गांव की खूबसूरती दिखाए आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग भी आना चाहें अगर नदी घूमने तो आ सकते हैं आप लोगों को भी घुमाएंगे गांव की खूबसूरती दिखाएंगे लेकिन अब तो हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे अभी कोई ठीक नहीं क्या हो गया कोई बात नहीं और दोस्तों अभी जा रही है ज्योति कपड़ा धोने दोस्तों इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोगों ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिए खुश रहिए खुशियाँ बांटिए